हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वी विल हैव सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर टुडे। ओके, लेट सी वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल इन टू विच अ डीएनए फ्रैगमेंट और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड टू इनेबल इट्स क्लोनिंग और एक्सप्रेशन इन ए लिविंग सिस्टम और ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज ए होस्ट। तो वेक्टर क्या होता है? सिंपली एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसमें हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग करनी होती है और क्लोनिंग के बाद उसका एक्सप्रेशन करना होता है ताकि उस डीएनए फ्रेगमेंट से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके और हम उस प्रोटीन को प्यूरीफाई कर सके। और ये जो क्लोनिंग और एक्सप्रेशन के इवेंट्स हैं, ये किसके अंदर एग्जीक्यूट होते हैं? किसी लिविंग सिस्टम के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उस सिस्टम को या ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होस्ट। ओके, वेक्टर सर्व्स एज ए व्हीकल टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू लिविंग होस्ट। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि वेक्टर को हम एज ए व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये डिलीवर करता है किसके अंदर? लिविंग होस्ट के अंदर। कैरी करता है, डिलीवर करता है, ले जाता है। इसलिए हम वेक्टर को सिंपली क्या कहते हैं? एक कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, एनी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल जीनोम लाइक प्लाज्मिड, फाज और वायरस मे बी यूज्ड एज ए वेक्टर। पहले ही हम देख चुके हैं कि किसी भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वेक्टर। और इसके मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स क्या हैं? या तो प्लाज्मिड का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर बैक्टीरियोफाज के डीएनए का आप यूज़ कर सकते हैं एज ए वेक्टर, या फिर एनिमल वायरसेस और प्लांट वायरसेस के डीएनए का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कैन बी यूज एज ए वेक्टर। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड वैक्टर। तो अगर आप किसी डी एन ए मॉलिक्यूल को एज ए वैक्टर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना एसेंशियल है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है? द वैक्टर शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरीफाई फ्रॉम इट्स सोर्स। मतलब क्या है कि जहां वो वैक्टर नेचुरली है, अगर वो प्लाज्मिड है तो वो बैक्टीरियम के अंदर होगा, अगर वो फाज का डीएनए है तो बैक्टीरियोफाज के अंदर होगा, अगर वो किसी वायरस का डीएनए है तो उस वायरस के अंदर होगा। तो जहां भी आपका वेक्टर प्रेजेंट है, आपको अगर उस वेक्टर को इस्तेमाल करना है तो उस सोर्स में से वेक्टर को आइसोलेट करना और प्यूरिफाई करना आसान होना चाहिए ताकि आप उस वेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि वेक्टर को अगर यूज़ करना है तो उसको उसके सोर्स से बाहर निकालना होगा। दैट्स वाई उसका जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो इजी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए देर इज अ बैक्टीरियम एंड इट इज द बैक्टीरियल क्रोमोजोम, एंड इन दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियम प्लाज्मिड्स आर फाउंड विच आर सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। सो यू नो दैट यू कैन यूज दीज प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स एज अ वैक्टर, बट टू यूज दीज प्लाज्मिड्स एज ए वैक्टर वॉट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू आइसोलेट दिस प्लाज्मिड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियम। तभी तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तभी आप इस प्लाज्मिड में अपना जीन जोड़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा? प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियम से बाहर निकालना होगा। सो वॉट यू हैव टू डू? यू हैव टू आइसोलेट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्यूरिफाई द प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। वंस यू आर एबल टू डू इट, वॉट यू विल गेट? यू विल गेट ए पॉपुलेशन ऑफ प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स यू कैन यूज एज ए वैक्टर। तो ये जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, ये बहुत ज़्यादा टीडियस या टफ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रिटी इजी सो दैट यू कैन इजीली आइसोलेट द वैक्टर एंड यूज इट फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है ये। ओके, सेकेंड देखते हैं। वेक्टर शुड बी आइडियली लेस देन 10 KB। KB स्टैंड्स फॉर किलो बेस पेयर।
इन साइज बिकॉज लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसीजर्स। तो आपने जैसे देखा कि वेक्टर को हम आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, इन प्रोसीजर्स के दौरान वेक्टर के टूटने की प्रोबेबिलिटी होती है। हो सकता है वेक्टर आपका टूट जाए ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन प्रोसीजर्स। तो जितना बड़ा आपका वेक्टर होगा, उतना ज़्यादा उसके टूट जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। कॉमन सेंस कहता है ना कि बड़ी चीज़ें जल्दी टूटती हैं और छोटी चीज़ों के टूटने में थोड़ा टाइम लगता है या मुश्किल होता है टूटना। तो जितना बड़ा आपका वेक्टर है, आप ये मान के चलिए कि उतनी ही जल्दी वो टूट सकता है ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसीजर्स। तो आपको एंश्योर करना है कि उसका साइज 10 KB से ज़्यादा ना हो। KB स्टैंड्स फॉर क्या है? किलो बेस पेयर। 1000 बेस पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? 1 KB। ओके। इन एडिशन लार्ज वेक्टर्स प्रेजेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग वेरियस मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड फॉर जीन क्लोनिंग। आपको पता है कि वेक्टर को आइसोलेट करने के बाद आपने वेक्टर को कट करना होता है यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसमें जीन जोड़ना होता है। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होते हैं, इन मैनिपुलेशंस के दौरान अगर आपका वेक्टर बड़ा होगा तो आपको हर स्टेप पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दैट्स वन, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए या मैनिपुलेशंस को इजीली फिजिबली कैरी आउट करने के लिए आपको क्या इंश्योर करना है? योर वेक्टर शुड नॉट बी लार्जर देन 10 KB। ओके। तो इट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए टिपिकल वेक्टर। इससे छोटा हो तो चलेगा, इससे बड़ा वेक्टर अगर होगा तो आपको परेशानी होगी। ओके। थर्ड देखते हैं, वेक्टर शुड कंटेन यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एटलीस्ट वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए इंसर्ट इनटू वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको। वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ताकि हम उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर सकें कटिंग करने के लिए एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी डीएनए इंसर्ट को इनटू द वेक्टर। तो हमारे पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें वेक्टर को ब्रेक करना पड़ता है। क्यों ब्रेक करना पड़ता है? ताकि हम उसके अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकें, किसी फ्रेगमेंट को उसके अंदर हम क्या कर सकें? जोड़ सकें। तो वेक्टर को कट करने के लिए हम कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वेक्टर को कब कट कर पाएगा? जब उस वेक्टर के अंदर उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या प्रेजेंट होगी? रेस्ट्रिक्शन साइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वेक्टर में किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? रेस्ट्रिक्शन साइट। और वो साइट कैसी होनी चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है यहाँ पे? यूनिक मीन्स फॉर ए गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट शुड बी देयर इन द वेक्टर मॉलिक्यूल। यूनिक का मतलब क्या बताया मैंने? कि किसी भी वेक्टर में किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की केवल कितनी साइट होनी चाहिए? ओनली वन। ओके। तो मान लीजिए दिस इज योर वेक्टर मॉलिक्यूल एंड दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन दिस वेक्टर एंड दिस साइट इज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E1। ठीक है, E1 एंजाइम की एक साइट इस वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है। एज सून एज यू विल ट्रीट दिस वेक्टर विद E1, व्हाट विल हैपन? E1 क्या करेगा? इस जगह पर कट प्रोड्यूस करेगा एज यूजुअल। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर बना है आपका, इट विल बी कॉल्ड एज ए कट वेक्टर। एंड यू नो वेरी वेल कि जब कट वेक्टर बनता है तो फर्दर ये ओपन होता है और इट ये कन्वर्ट होता है किसमें? कट ओपन वेक्टर में। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा? कट ओपन वेक्टर। और जो ये जगह बनी है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे डीएनए इंसर्ट को यहां पर क्या करते हैं? लाइगेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ टिपिकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट व्हाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके। सो यहाँ पर जो हमने चीज देखी उसमें हमें पता चल गया कि वेक्टर जो था आपके पास उसके अंदर केवल एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट थी। कौन से एंजाइम की? E1।
इसी वजह से ई1 ने उस एक जगह पर कट किया और कट वेक्टर बना, कट वेक्टर ओपन हुआ और जो जगह बनी उसके अंदर फर्दर वी कैन इंसर्ट आर जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाउ इफ वी हैव ए वेक्टर इन विच देर आर टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड दीज टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर ऑफ द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई1. ओके, यहां पर दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं विद इन द सेम वेक्टर मॉलिक्यूल और वो दोनों साइट्स एक ही एंजाइम की हैं. वो कौन सा एंजाइम है? ई1. अर्लियर हमने देखा था यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट थी, यानी एक एंजाइम की एक साइट थी. अभी यहां पर एक ही एंजाइम की दो साइट्स एक ही वेक्टर के अंदर हैं. तो अब अगर हम आरडीएनए कंस्ट्रक्शन करते हैं तब क्या होगा? देखिए, इस वेक्टर को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे. नाम क्या है उसका? फिलहाल ई1. ओके, क्या होगा? एज एक्सपेक्टेड ई1 दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट प्रोड्यूस करेगा. अब चाहे वो एक वेक्टर में हो, चाहे दो वेक्टर में हो, चाहे अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स में हो, तो ई1 तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स में डिफरेंशिएट नहीं करता. उसे तो जितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलेंगी वो उन पर कट करेगा. तो इसलिए दोनों रेस्ट्रिक्शन साइट्स में जो कि सेम वेक्टर के अंदर हैं, दोनों जगह पे वो कट प्रोड्यूस करेगा. और कौन सा वेक्टर बन गया आपका? कट वेक्टर. और आप देखिए अब यहाँ पे कि क्योंकि सेम वेक्टर में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में दो कट लग चुके हैं, इसलिए अब ये डीएनए मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और क्या बन जाएंगे? आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ वेक्टर. यानी दोनों जगह से कट लगने की वजह से, दोनों जगह पे कट इसलिए लगे क्योंकि दो साइट थी एक ही एंजाइम की. यूनिक साइट नहीं है ये एक ही एंजाइम की दो साइड्स हैं आपके वेक्टर में. तो दोनों जगह पे जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया तो वेक्टर के दो फ्रेगमेंट्स बन गए. अब इन दो फ्रेगमेंट्स के साथ आपको आपके डीएनए इंसर्ट को जोड़ना है, यानी इन तीनों डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ करके आपको आरडीएनए का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है. तो बात क्या समझ में आती है हमें कि वेक्टर शुड हैव ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एनी गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो वेक्टर के अंदर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की केवल कितनी साइट होनी चाहिए? ओनली वन. ऐसा करने से क्या होगा? वेक्टर एक ही जगह से टूटेगा और इजीली हम उस जगह में हमारे डीएनए इंसर्ट को जोड़ सकते हैं. लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि दो साइट होने की वजह से वेक्टर दो जगह से टूट गया. साइमल्टेनियसली वेक्टर के फ्रेगमेंट्स बन गए और उन वेक्टर के फ्रेगमेंट्स के साथ डीएनए का भी फ्रेगमेंट जोड़ना, इट इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क. तो इसलिए कहा जाता है कि वेक्टर शुड हैव यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर ए गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो यूनिक का मतलब समझे, देयर शुड बी ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन एनी गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब इससे भी एडवांस चीज क्या है जो यूजुअली वेक्टर्स में होती है, आइए देखते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स हैव सेवरल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड दीज रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर ग्रुप्ड और क्लस्टर्ड एट ए सिंगल और द सेम साइट एंड दैट साइट इज नोन एज मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉली लिंकर. तो जनरली वेक्टर्स में क्या होता है, एक से ज्यादा तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं और वो सारी साइट्स एक कॉमन प्लेस पे ग्रुप्ड होती हैं, क्लस्टर्ड होती हैं और उस कॉमन प्लेस को हम क्या कहते हैं? MCS कहते हैं या पॉली लिंकर कहते हैं. तो होता क्या है कि सपोज यू आर हैविंग ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड वेक्टर, दिस वेक्टर विल हैव ए सर्टेन रीजन वेयर देयर आर मैनी यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स ग्रुप्ड टुगेदर. अब आप यहाँ पे देखिए कि इस वेक्टर के अंदर इस जगह पर कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये जो रेड है दैट इज द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ एंजाइम ई1, लाइकवाइज दिस
is the restriction site of enzyme E2, this is the site for E4, this is the site for this was the site for E3, and this is the site for E4, and this is the site for E5. तो यहां पर five different restriction sites हैं five different restriction enzymes के लिए. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, E1 की केवल एक ही साइट है, E2 की भी एक साइट है, E3 के लिए भी एक साइट है, लाइकवाइज E4 एंड E5 के लिए भी एक एक साइट वेक्टर में मौजूद है. तो ये सारी साइट्स यूनिक हैं, लेकिन मल्टीपल टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए हैं ये. सो नाउ दिस कॉमन प्लेस जहाँ पे ये सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स ग्रुप्ड हैं, क्लस्टर्ड हैं, इस कॉमन प्लेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ए पॉली लिंकर. तो स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं कि वेक्टर के अंदर क्या होता है, सेवरल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं. यहाँ पे कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, देयर आर टोटल फाइव रेस्ट्रिक्शन साइट्स, एंड दीज ऑल साइट्स आर यूनिक इन द सेंस फॉर अ गिवन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली वन रेस्ट्रिक्शन साइट इज देयर. E1 के लिए भी एक साइट, लाइकवाइज E5 के लिए भी एक साइट, ओके, E2 के लिए, E3 के लिए, E4 सब के लिए एक एक साइट है. तो वेक्टर के अंदर क्या है, सेवरल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो यहां पर कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स हैं, टोटल फाइव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, E1 to E5, ओके. एंड दीज ऑल साइट्स आर क्लस्टर्ड, ये सारी साइट्स ग्रुप्ड हैं एक सिंगल प्लेस पे, और उस प्लेस को हमने क्या नाम दिया, MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट और पॉली लिंकर. सो अब इस पॉली लिंकर का फायदा क्या है वो देखते हैं. तो पॉली लिंकर से क्या है कि दिस वेक्टर कैन बी कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम E1 और E3 और E2 और E4 और E5. इन पांचों में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपकी लैब में है, आपके पास है अवेलेबल, उस एंजाइम से आप इस वेक्टर को कट कर सकते हैं. अगर आपके पास E1 है लैब में, इजीली अवेलेबल है, तो आप E1 का यूज़ कर सकते हैं, आप E2 का यूज़ कर सकते हैं, आप E4 का भी यूज़ कर सकते हैं, E3 का यूज़ भी कर सकते हैं, और E5 का यूज़ भी कर सकते हैं. तो आपके पास ऑप्शंस आ गए, पांच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी मदद से इस वेक्टर को कट कर सकते हैं आप. कोई भी एक एंजाइम चाहिए आपको पांचों में से. तो पॉलीलिंकर का फायदा क्या हुआ, पॉलीलिंकर प्रोवाइड्स flexibility in the choice of restriction enzyme that can be used for cutting the vector. तो polylinker क्या देता है, आपके पास options देता है, आपको flexible बनाता है कि आप किसी भी available restriction enzyme का use कर सकें क्या करने के लिए, vector को काटने के लिए. अगर मान लो vector में unique restriction site होती और एक ही एंजाइम की साइट होती, तो आपको वही एंजाइम यूज करना पड़ता. अगर आपकी लैब में नहीं है तो आपको खरीदना पड़ता. लेकिन अगर आपके पास ऐसा वेक्टर है जिसमें आपके पास पॉलीलिंकर है, आपके पास डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उस वेक्टर के अंदर, डिफरेंट एंजाइम्स की यूनिक साइट्स हैं, तो आप उनमें से किसी भी अवेलेबल एंजाइम का यूज करके आप अपने वेक्टर को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. ओके, तो साइट्स जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, और अगर पॉलीलिंकर है सेवरल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, यूनिक साइट्स आपके वेक्टर में हैं, तो इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन. आगे देखते हैं, इट शुड बी इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल्स. तो अब जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना चुके हैं, तो उसके बाद उस आर डीएनए को जिसके अंदर आपका वेक्टर है और आपका डीएनए इंसर्ट दोनों है, उस आर डीएनए को आपने किसके अंदर पहुंचाना होता है, होस्ट सेल्स के अंदर. तो होस्ट सेल्स के अंदर जो इंट्रोडक्शन होता है आरडीएनए का, उसका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा टीडियस नहीं होना चाहिए, यानी वेक्टर जो है वो इजीली इंट्रोड्यूसिबल होना चाहिए किसके अंदर, होस्ट सेल्स के अंदर. दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट विद द वेक्टर शुड बी इजी. तो होस्ट के अंदर आरडीएनए को पहुंचाना या वेक्टर को पहुंचाना, इस प्रोसेस को हम क्या जनरली क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए. अगर प्रोसेस ज़्यादा टफ और टीडियस होगी तो आप वेक्टर को होस्ट के अंदर डिलीवर नहीं कर पाएंगे और आपका एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुक जाएगा. ओके, सो इफ यू हैव योर वेक्टर एंड व्हाट यू डू, you ligate your DNA insert into the vector using some enzymes, what would you get? You would get the recombinant DNA molecules, and
what would you do further? You will try to deliver these recombinant DNA into the host cells using the process of transformation. So this is the bacterial host you are using. Okay, so what is your task? You should deliver these RDNA molecules inside the bacterial host by the process of transformation. And if you are able to do this, what will you get? You will get a host cell which is known as transformed host. And this transformed host cells will contain the RDNA, and that RDNA will contain the gene of interest. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी इस आरडीएनए को इस होस्ट के अंदर डिलीवर करना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फिजिबल, तभी ये वेक्टर आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है. ओके, तो कॉमन सी चीज है, तो ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी इजी विद द वेक्टर ऑफ द होस्ट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन द होस्ट सेल. आरडीएनए को आपने पहुंचा तो दिया होस्ट सेल के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद उस आरडीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होना चाहिए. किसके अंदर? होस्ट के अंदर. सपोज यू हैव योर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल होस्ट सेल, तो इसके अंदर क्या है आपका? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या है आपका? जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो एक आइडियल वेक्टर की क्या खास बात है कि अब उसे यहां पर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन करना चाहिए और अपने नंबर्स को इंक्रीज करना चाहिए. देखो, जब ये बैक्टीरियम डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन से, तो ड्यूरिंग वन राउंड ऑफ बाइनरी फिशन, यानी एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? यहां पर दो सेल बनेंगी एक बार बाइनरी फिशन होगा. तो ये जो पेरेंटल सेल है, जो ये वाली है, इसके अंदर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इट विल डिवाइड वंस, एक बार डिवाइड करेगा ये, और इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी? दो कॉपीज बनेंगी. ये जो सेल है, ये कितनी बार डिवाइड करेगा? इट विल डिवाइड ओनली वंस, और इससे कितनी सेल बनेंगी? दो सेल बनेंगी. यानी इस एक सेल से, एक पेरेंटल सेल से दो सेल बनेंगी, और इस एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम से कितने बैक्टीरियल क्रोमोसोम बनेंगे? दो क्रोमोसोम बनेंगे. और ये जो एक एक क्रोमोसोम है, वो एक एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो हर एक प्रोजेनी सेल के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम कितने होंगे? एक एक होंगे. समझ आ रही है बात? तो एक जब बैक्टीरियल होस्ट बाइनरी फिशन से डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, तो उन दोनों सेल्स में एक एक क्या होगा? बैक्टीरियल क्रोमोसोम. दिस इज द कॉमन मैकेनिज्म. जो आपका आरडीएनए है, उसके अंदर कौन सी पावर होनी चाहिए? ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए. मतलब क्या है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन का? कि इस आरडीएनए का जो रेप्लिकेशन है, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. यानी इस आरडीएनए का रेप्लिकेशन इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. इसका जो रेप्लिकेशन होना चाहिए, वो ऑटोनोमस होना चाहिए. यानी इस रेप्लिकेशन का कंट्रोल इस वेक्टर के पास ही होना चाहिए. ताकि क्या होगा अगर ऐसा होगा? तो ऐसा होगा तो क्या होगा, आप विजुलाइज कर सकते हैं. अगर हम देखें, अगर वेक्टर क्या करेगा? ऑटोनोमस रेप्लिकेशन करेगा, तो क्या होगा? यू विल हैव द प्रोजेनी बैक्टीरियल होस्ट सेल्स विद मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स विद इन द सिंगल बैक्टीरियल सेल. अब इस सिंगल सेल में आप देखिए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तो एक ही कॉपी है, लेकिन आरडीएनए की क्या है? मल्टीपल कॉपीज हैं. यहाँ पे दीज बैक्टीरियल सेल्स आर हैविंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तो एक एक ही कॉपी है, क्योंकि मैंने कहा था कि ड्यूरिंग वन राउंड ऑफ सेल डिवीजन बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड ओनली वंस. बट ड्यूरिंग दैट वन राउंड ऑफ सेल डिवीजन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज
replicating itself several times. Why? Because its replication is autonomous. It is independent of the replication mechanism of the bacterial chromosome. तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो एक सेल डिवीजन के दौरान एक बार ही रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी सेल्स में उसकी एक एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन उस एक राउंड के दौरान, उस एक सेल डिवीजन के दौरान जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है कि हर एक बैक्टीरियल होस्ट के अंदर आरडीएनए की क्या होती है, मल्टीपल कॉपीज, और हर आरडीएनए की कॉपी के अंदर हमें क्या मिलता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितनी कॉपीज आरडीएनए की हैं उतनी ही कॉपीज हमें मिल जाती हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो इस ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की वजह से हमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर मिल जाती हैं, यानी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो चुका है, इट हैज़ बीन क्लोन्ड इनसाइड द बैक्टीरियल होस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो अगर आपके आपके आपको जीन को क्लोन करना है आपके जीन को, तो आप जो वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी पावर होनी चाहिए, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ओके, फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन वेक्टर मस्ट हैव एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट और सीक्वेंस विच इज डिनोटेड एज ORI दैट फंक्शंस इन द चूजन होस्ट। और वेक्टर के अंदर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी कब होगी, जब उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसका नाम क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि वो होस्ट में फंक्शन कर सके, जिस होस्ट का आपने इस्तेमाल किया है अपने एक्सपेरिमेंट में उस होस्ट के अंदर वो ORI फंक्शनल होना चाहिए। तो वेक्टर के अंदर कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे, ORI। और वो ORI किसके कंपेटिबल होना चाहिए, इट शुड बी कंपेटिबल विद द सेलेक्टेड होस्ट। अब ये ORI क्या होता है, ORI इज द प्लेस वेयर DNA रेप्लिकेशन बिगिंस, यानी वो जगह जहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, वो जगह क्या कहलाती है, ORI, इनेबलिंग ए DNA मॉलिक्यूल टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। सो कोई भी DNA जो रेप्लिकेट करता है, अगर खुद के बलबूते पे उसे रेप्लिकेट करना है तो उसके अंदर कौन सा सीक्वेंस या साइट होना ज़रूरी है, ORI, क्योंकि यही वो प्लेस है जिसे DNA polymerase, which is the enzyme which is involved in DNA replication, it recognizes the site ORI and initiates the process of DNA replication। ठीक है, तो इस तरह का जो configuration है ORI है, this ORI should be present in the vector and then only it can reproduce itself autonomously, that is an important feature of an ideal vector। Next, when expression of the DNA insert is desired, the vector should contain suitable control elements, that is promoter, operator and ribosome binding sites having optimum function in the chosen host। So agar आप अपने DNA इंसर्ट का एक्सप्रेशन भी चाहते हैं, यानी उससे प्रोटीन भी बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका DNA इंसर्ट एक्सप्रेस करे और प्रोटीन बनाए होस्ट के अंदर, तो आपके वेक्टर में क्या होने चाहिए, कंट्रोल एलिमेंट्स कौन कौन से, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स। ये क्या होते हैं, बेसिकली दीज कंट्रोल एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द DNA इनटू प्रोटीन। तो आपके वेक्टर में कंट्रोल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो एलिमेंट्स जो नेसेसरी हैं DNA के एक्सप्रेशन के लिए, DNA से प्रोटीन के बनने के लिए। मोर ओवर क्या याद रखना है कि वो जो कंट्रोल एलिमेंट्स हैं दे शुड बी सच दैट दे एग्जीक्यूट देयर फंक्शन इन द सेलेक्टेड होस्ट। तो जो एलिमेंट्स हैं वो होस्ट के कंपेटिबल होने चाहिए। सो इफ़ यू आर हैविंग ए वैक्टर और उस वैक्टर में ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है, उसमें प्रोमोटर है, ऑपरेटर है,
ribosome binding site है, and in that particular vector you have inserted your DNA insert. Now it is called as the recombinant DNA. तो आपके वेक्टर में ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन के लिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, कंट्रोल एलिमेंट्स हैं जीन के एक्सप्रेशन के लिए. व्हाट यू डू, यू ट्रांसफर दैट आर डीएनए इनटू होस्ट. आप इस आरडीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे ही आप आरडीएनए में होस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आपका होस्ट है, बैक्टीरियल सेल है, आप अगर इस आरडीएनए को इसमें पहुंचाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो आपके पास क्या हो जाएगा, होस्ट के अंदर क्या बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मल्टीपल कॉपीज. एंड बिकॉज दीज आरडीएनए मॉलिक्यूल्स आर हैविंग ऑल द कंट्रोल एलिमेंट्स, व्हाट विल हैपन, द जीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द आरडीएनए, द जीन व्हिच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट आरडीएनए, दैट जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विद इन द होस्ट सेल. एंड बिकॉज दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइड द सेल ऑफ द होस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इंट्रा सेलुलर प्रोटीन. तो होस्ट सेल के अंदर आर डी एन ए के जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, और एक्सप्रेशन होने की वजह से प्रोटीन्स बनेंगे, और क्योंकि वो प्रोटीन होस्ट सेल के अंदर रिजाइड कर रहे हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा, इंट्रा सेलुलर प्रोटीन. अगर सेल उन्हें सिक्रीट करता है, सेल से बाहर प्रोटीन को सिक्रीट करता है, तो वो प्रोटीन क्या कहलाएंगे आपके, दे विल बी नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स. तो क्या हुआ, हमने आरडीएनए बनाया, आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर किया, आरडीएनए के मल्टीपल कॉपीज बने बिकॉज ऑफ द ओआरआई, और जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ द कंट्रोल एलिमेंट्स, प्रोटीन्स बने, दे आर नाउ प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर, एंड इफ दे आर सिक्रीटेड आउटसाइड द होस्ट दे विल बी नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर. तो जहां भी आपका प्रोटीन है, चाहे इंट्रा है चाहे एक्स्ट्रा है, आप उस प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, यू कैन प्यूरिफाई दैट पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम इट्स रिलीवेंट लोकेशन, आइदर विद इन द होस्ट सेल और आउटसाइड द होस्ट सेल. सो दिस इज अ टिपिकल एक्सपेरिमेंट यू कैन डू विद योर जीन. यू कैन क्लोन योर जीन और एंड यू कैन प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन इन साइड द होस्ट सेल. सो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज 7, क्या है, द वेक्टर शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन्स दैट अलाउ इजी डिटेक्शन और सेलेक्शन ऑफ द होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम अमंग द सेल्स ट्रांसफॉर्म विद अनऑल्टर्ड वेक्टर एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स. आइए इस स्टेटमेंट को समझते हैं. मार्कर जीन्स क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के जीन है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, वेक्टर में प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं क्या, कौन सा प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस. और सेलेक्ट किसको करते हैं, ये उन होस्ट सेल्स को जो कि ट्रांसफॉर्म हुए हैं किससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से. मान लीजिए यू हैव ए मिक्सचर ऑफ होस्ट सेल्स, वन ऑफ देम इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल्स जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेकेंड वन इज होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद अनऑल्टर्ड वेक्टर जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन अनऑल्टर्ड वेक्टर से हुआ है, एंड द थर्ड वन इज होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से. आपके पास ये तीन तरह की होस्ट सेल्स का मिक्सचर है. तो मार्कर जीन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन ऑफ व्हाट काइंड्स ऑफ होस्ट सेल्स, यू कैन एक्सक्लूसिवली सेलेक्ट द होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि आपको मतलब है उन्हीं सेल से जिनके अंदर कौन पहुंचा है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट. इन्हीं सेल्स की आपको जरूरत होगी फर्दर एक्सपेरिमेंट में, इसलिए आप इन सेल्स को, इन पर्टिकुलर सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों टाइप की सेल्स को आप इलिमिनेट करते हैं. यू डू नॉट नीड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स एंड यू डू ऑल्सो नॉट नीड होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म विद अनऑल्टर्ड वेक्टर. तो इन दोनों टाइप की सेल को इलिमिनेट करते हैं, और जो होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म हुई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो आपके लिए यूजफुल हैं फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए, उन सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं यूजिंग द एडवेंट ऑफ मार्कर जीन्स, एंड दीज मार्कर जीन्स आर अ पार्ट ऑफ योर वेक्टर. ओके, सो व्हाट यू डू,
You just have a population of vector molecules, you treat the population restriction enzyme. What you get the cut vector molecules, and now what you do, you try to ligate your DNA insert into the cut vector molecules with the use of DNA ligase. But what happens? You get a मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल्स. इसमें ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज द अनऑल्टर्ड वेक्टर, क्योंकि ये कैसे बने हैं, इन कट वेक्टर के रीसर्कुलराइज या सेल्फ लाइगेट होने से बने हैं. और बहुत कम वेक्टर मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि कहलाएंगे आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इनके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो डीएनए इंसर्ट है, वो कट वेक्टर के अंदर जाकर के जुड़ गया है और रिजल्ट जो बना है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो व्हाट वुड यू गेट? यू वुड गेट ए मिक्सचर ऑफ मैनी अनऑल्टर्ड वेक्टर मॉलिक्यूल्स एंड फ्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स. आगे क्या करेंगे हम? वी विल यूज दैट पर्टिकुलर मिक्सचर टू ट्रांसफॉर्म इंटू होस्ट. रिजल्टेंटली कॉन्सिक्वेंटली वी विल गेट ए पॉपुलेशन ऑफ होस्ट सेल्स इन विच देर आर थ्री टाइप्स ऑफ होस्ट सेल्स. ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं, दीज आर नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स. ये वो सेल्स हैं जिन्होंने ना तो अनऑल्टर्ड वेक्टर को अपने अंदर एंट्री दी है और ना ही आरडीएनए को अपने अंदर एंट्री दी है. Majority of cells, majority of bacterial cells, due to their immune mechanisms, they do not readily allow any external DNA to enter inside their cells. So these cells are known as non-transformed cells, यानी the cells which have not undergone transformation. इनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी. दूसरे टाइप की जो सेल्स नजर आ रही हैं, these cells are the host cells which are transformed with unaltered vector, यानी जिन जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन कौन से वेक्टर से हुआ है? अनऑल्टर्ड वेक्टर से. तीसरी टाइप की जो सेल्स होगी वो कहलाएंगी सेल्स ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कौन से डीएनए से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से. इन दोनों सेल्स ने ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो किया है, लेकिन यहाँ पर अनऑल्टर्ड वेक्टर होस्ट सेल के अंदर एंट्री किया है और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर एंट्री किया है. तो आप देखेंगे कि नॉन ट्रांसफॉर्म सेल की संख्या सबसे ज्यादा होगी, उससे कम संख्या होगी अनऑल्टर्ड वेक्टर कंटेनिंग सेल्स की, और सबसे कम संख्या होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग सेल्स की. अब सोचने की बात यह है कि इस पूरे मिक्सचर में से हमें कौन सी सेल्स चाहिए. कॉमन सेंस इज कि नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये तो जस्ट होस्ट सेल्स हैं. दूसरी सेल्स जो हैं वो अनऑल्टर्ड वेक्टर कंटेनिंग सेल्स हैं, इनके भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके अंदर तो ओनली वेक्टर है. जो हमें ज़रूरत है वो कौन सी टाइप की सेल्स हैं? तीसरी टाइप की सेल्स, जो कि हैं सेल्स ट्रांसफॉर्म विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इनके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर हमारा जीन है. सो दीज सेल्स मस्ट बी सेलेक्टेड, एंड वी कैन सेलेक्ट दोज काइंड्स ऑफ सेल्स विच आर वेरी फ्यू इन नंबर. अनफॉर्चुनेटली वी कैन डू द सेलेक्शन ऑफ दोज फ्यू सेल्स, फ्यू यूजफुल सेल्स विद द एडवेंट ऑफ मार्कर जीन्स. सो मार्कर जीन क्या करते हैं? मार्कर जीन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन आइडियल वेक्टर बिकॉज इट फैसिलिटेट्स इजी सेलेक्शन ऑफ होस्ट सेल्स हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो मार्कर जीन की वजह से हम इन सेल्स को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग सेल्स को, बाकी सेल्स से सेपरेट कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ द वेक्टर. सो इट द वेक्टर शुड कंटेन फॉर जीन्स, मार्कर जीन्स. तो ये इस इन टाइप की सेल्स को मार्क करने का काम करते हैं, डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? मार्कर जीन्स. सो दैट वॉज अबाउट मार्कर जीन्स. ओके, नाउ मोस्ट नेचुरली अकरिंग वेक्टर्स डू नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शंस. तो नेचुरली जो वेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, नेचर में जो वेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस जिनकी अभी हमने बात की, जितने भी फंक्शंस हमने सीखे वेक्टर्स के, जो भी प्रॉपर्टीज, जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज की हमने बात की, वो सारे के सारे किसी नेचुरली अकरिंग वेक्टर में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए क्या करते हैं हम, यूजफुल वेक्टर हम बनाते हैं
कैसे बनाते हैं? बाय जॉइनिंग टुगेदर डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स, ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज मॉड्यूल्स, एंड दीज मॉड्यूल्स आर टेकन फ्रॉम टू और मोर नेचुरल एंटिटीज। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को आइसोलेट करते हैं। हर सेगमेंट का कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर सेगमेंट एक मॉड्यूल कहलाता है, और अल्टीमेटली सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को हम जॉइन करते हैं, और फिर जो वेक्टर बनता है कॉन्सिक्वेंटली वो होता है यूजफुल वेक्टर। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि नेचुरली अकरिंग जो वेक्टर्स हैं उनमें सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो गए। पहला जो है वो ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आप जानते हैं ऑटोनोमस रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है आपका, कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, अगर आप जीन को एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं तो प्रोमोटर ऑपरेटर और राइबोसोम बाइंडिंग साइट होना चाहिए आपके वेक्टर में। तीसरा क्या है, मार्कर जीन्स, अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग सेल्स को तो मार्कर जीन्स होने चाहिए। और चौथा क्या है, पॉलीलिंकर है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेक्टर को वर्सेटाइल बनाना चाहते हैं और उसके अंदर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की यूनिक साइट्स आप चाहते हैं तो पॉलीलिंकर होना चाहिए आपके वेक्टर में। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को, डिफरेंट डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, फाइनली सारे सेगमेंट्स को, सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली जो आपके पास होता है वो एक कंप्लीट वेक्टर, कंप्लीट आइडियल वेक्टर बन के तैयार होता है। तो इस तरह की जो टेक्निक है डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने की, उसे भी हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यूजफुल वेक्टर भी एक तरह के क्या हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गए आपके, जिनके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो आज हमने बात की एक वेक्टर के बारे में, एक आइडियल वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में, थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज पोस्ट कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर